बेटी दोनों का निशान है कटका यहाँ, दोनों का निशान है कटका। आपके होली स्पिरिट बोल रहा है मेरे को, मैं आपके बच्चे नहीं देख रहा हूँ, आप बच्चे नहीं लेके आए चर्च में, नहीं, लेकिन ये परमेश्वर है और वो बता रहा है दोनों बच्चों को, परमेश्वर ने बचपन से देखा है, अब तक परमेश्वर ने संभाला है। हिंदू तेरे घर में जो लोग जादू टोना डाल रहे थे, जो आपके टांगों से लेकर ऊपर तक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कह रहा है कि आपके बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, है कि नहीं, है कि नहीं, आजाद हो रहे, आज आजाद हो जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में, बरकत खुलेगी आज, देख सारे बोले हालेलुया। उठाऊ और मेरे हाथ की तरफ देखो, आजाद हो रही आज, तेरे अंदर से वो गंदी स्प्रिट चीख रही है और चिल्ला रही है, मेरी आंखों में से वो किरणें निकल रही हैं और टच कर रही है, चल छोड़ दे इस औरत को, चल चीख और चिल्ला और निकल जा। ये देख मेरे आंसू नहीं है, पसीना है, मेहनत करता हूँ, छोड़ दे इसको, गया गया आउट, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, निकल जाओ, चलो छोड़ दो इसको, मारने वाली गंदी आत्मा निकला बाहर, चल निकला बाहर, निकला बाहर, आग आ रही है, चल रहा है तू, चल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, चल जाए, इसी समय निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, चल और इसी समय दुष्ट आत्मा तुझे डांटता हूँ, छोड़ इस औरत को, निकल पार यीशु मसीह नासरी के नाम में, आउट 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 आउट, आ गए, योगा किया, चल जाए, चल जाए, सारा जादू टोना इसके ऊपर से, यीशु के नाम में फ्री करता हूँ इसको, यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, अपने पेट पे हाथ रख ले, पेट पे हाथ रख बहन, और जा आंख बंद कर और इसके सिर पे हाथ रख पास्टर, टच यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और जाओ चेक कराओ, फ्री हो गए आज से यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया, अपने सिर पे हाथ रख लो, पूरा चर्च परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, और पवित्र आत्मा जो वेस्ट बंगाल में बाहर बैठे, जो इस समय बाहर से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जो अंदर बैठे हैं, मेरे पिता जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर मेरे आंखों के ऊपर से किरणें उतरे और इनकी आंखों को टच करें आज यीशु मसीह के नाम में, जो चीज ये नहीं देख पा रही अपने घर में आज से देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से इनके काम बन जाए, रिपोर्टें नॉर्मल आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट प्रोफेट जी, बहुत बड़ी गवाही है, ये सभी की बहुत बड़ी गवाही है, बता रहे हैं कि कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से और कोई 5 साल से नशे करते थे, छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, आप बोल रहे थे कि जो नशे करते हैं वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने ब्रांच फाजिल्का, इन्होंने रिसीव किया, 3 दिन तक बीज बोया, ये सभी बोल रहे हैं नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, अपने हाथों को उठाओ, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने लोग नशा करते थे, परमेश्वर ने आजाद कर दिया, पंजाब से आए, कहां से, कहां से आए, बिहार से आए, हाँ पंजाब से आए, हाँ अबोर से, फरीदकोट से, कहां से, गोंडा से आए, गोंडा से आए, बिहार से आए, देखो आप देख रहे हैं बिहार, यूपी, पंजाब, कहीं से भी लोग आ रहे हैं नशे से आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हालेलुया, प्रॉफिट जी, सभी बहनों की बहुत बड़ी गवाही है, बहन बता रही हूं उनको पिछले 10 साल से, इस बहन को 7 साल से, इस बहन को 12 साल से और इस बहन को 4 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, जिससे बहुत परेशान थे, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था, सुसाइड करने का दिल करता था, ये बता रहे हैं जब ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को जब लेके गए और यूज किया और आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहन बता रहे हैं वो 10 साल से, ये 7 साल से, ये 12 साल से और ये 4 साल से दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, हालेलुया, बोलो रंग लिया यीशु मसीह ने अपने रंग में, रंग लिया कि नहीं, आपके सामने है कि कितने साल से, कितने कितने साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, कितने साल से, 4 साल, हाँ हाँ, 12 साल से, नेक्स्ट 7 महीने से, 10 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, देखो जब चर्च में आना शुरू किया परमेश्वर ने आजाद कर दिया, अपने हाथों को उठाऊं, मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसियों को बताओ, जिसके मट्ठे में बट्टे पड़ रहे हैं उन्हें ले आओ, परमेश्वर आशीष देगा आपको, आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं भी अपनी पत्नी लेके आऊंगा,
वट कटांगे मथे दे सारे बोला हालेलुया। आपको कह रहा हूँ अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जाओ 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 शाबाश शाबाश फाजिल का ब्रांच। हाँ हाँ गवाही के साथ बाकी सब लाइन लगा लो फटाफट आगे ले। हाँ फाजिल का ब्रांच अमृतसर ब्रांच। हाँ अमृतसर इतना बोया नहीं तुमने लेकिन मिराकल मनी होगी तुम्हारे घर में 2 लाख की। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है आप जब बीज बोते हैं जो ऑनलाइन चर्च सुन रहे हैं परमेश्वर ऐसा ही करता है। बहुत सारे लोगों के घर में गवाहियां आ रही हैं किसी ने डाले नहीं है कोई एंजल डाल गया यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश नेक्स्ट। देखो आपके सामने मैं कह रहा था अमृतसर ब्रांच में जो आ रहे हैं और मैं नाम लेकर बोल रहा था कि उनको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है। देखो ये प्रोफेटिक वर्ड्स परमेश्वर की ओर से हैं। मैं कह रहा हूँ जब आप आज संडे के दिन आप कंपनी बाग में घूमने के लिए नहीं गए आप आज बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जा सकते थे कि नहीं चर्च लेकिन यहाँ पर आए हो आप इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। ये प्रतिफल है और देखो आपके सामने गवर्नमेंट जॉब। हाँ बेटे किसको मिली गवर्नमेंट जॉब? अपने हाथों को उठाऊं तारीफ करो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। गवर्नमेंट जॉब जो ताड़ी बजा रहे हैं उनके घर गवर्नमेंट जॉब आ रही है। जो विश्वास नहीं कर रहे उनके जो विश्वास नहीं कर रहे उनके मत्थे पे वट आ रहे हैं। जी जस देखो आपके सामने पत्थरियां बाहर आ गई। हाँ बेटे कब से थी पत्थरियां? तारीफ करो चोर से यीशु मसीह के नाम में। बोल रही है इसके लड़के को दर्द था। कुछ लोग सोचते हैं शायद कि मेरा नंबर नहीं आया मैं आज मुझे चंगाई नहीं मिली लेकिन आप सुन रहे हैं चर्च में बैठे प्रोफेसी को सुना अगले दिन चमत्कार हो गया यीशु मसीह के नाम में। याद रखो अगले 7 दिन आपके साथ चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ नेक्स्ट गवाही के साथ। अपने हाथों को उठाऊं देखो अमृतसर कुरुक्षेत्र में। हाँ हाँ बोलो बेटे जय सिंह की आपने अमृतसर कुरुक्षेत्र में प्रोफेसी की थी कि 3 दिनों में आपको गुड न्यूज मिलेगी और बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिलेगी। अभी 28 जून को हमारे घर में बेबी बॉय ब्लेसिंग मिली है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में शाबाश। अपने हाथों को उठाओ तारीफ करो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये परमेश्वर है सुनता अमृतसर ब्रांच। हाँ हाँ शाबाश गवाही के साथ जल्दी फटाफट गवाही। तारीफ करो चोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो गिल्टियां गायब हो रही है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ कितना ठीक है हूं। क्या प्रॉब्लम थी आपको? गिल्टी थी
कैसे चंगाई मिली? गुरदासपुर गई थी। सारे बोलो कहाँ गई थी? गुरदासपुर हिली स्टेशन में गए थे परसों के कल परसों गए थे। और ये बता रही है कि आज गवाही आ गई है। तारीफ करो चोर से यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियां रसोलियां गायब हो गई है चर्च। बोलो यीशु मसीह की। नेक्स्ट तारीफ करो चोर से यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट 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 जल्दी जल्दी शाबाश अपने हाथों को उठाओ। हाँ 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 तारीफ करो चोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ क्या प्रॉब्लम थी बेटे? समझ नहीं आ रही तेरी दवाई की प्रॉब्लम बीमारी किसी तनु थायराइड था और थायराइड गायब हो गया। तारीफ करो चोर से। पूरा चर्च हाथ उठाओ। अमृतसर ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। कैमरामैन अमृतसर ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। और इसी समय देखो कि जो अपने हाथों को ऊंचा करो। अमृतसर ब्रांच में आपके लिए दुआ कर रहा हूं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप सुन रहे हैं थायराइड रसोलियां कैंसर शुगर यूरिक एसिड कोई भी प्रॉब्लम है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई फाइनेंस के लेकर बड़ा परेशान है आप और काम के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सात दिन मिराइकल पर मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल हो यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंस खुल जाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हर एक करते के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जो अपने हाथों को उठाकर हिला रहे हैं अमृतसर ब्रांच अपने हाथों को लाओ। शाबाश अपने हाथों को लाओ। अबलाबा फाइनेंस खुले। जो लोग इस समय जलंधर चर्च में हाथ उठा रहे हैं जो इस समय पवित्र आत्मा ब्रांच में ऑनलाइन चर्च हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर करते के शराब टूटे। फाइनेंस बढ़े यीशु मसीह के नाम में। मिराकल मनी हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने देखा जिसके नाम बी से एन जी आर एस बी वाई जे से और ए के एल से मैं कह रहा हूँ कि वो स्माइल दे रहे हैं। फाइनेंस बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो। हाँ 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 गवाहियां लेंगे ऊपर उठाओ। शाबाश। हाँ हाँ प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये अंकल बता रहे हैं इनके 15 साल से इस भाई को पिछले 10 साल से उस भाई को पिछले 5 साल से पायस की प्रॉब्लम थी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था। बहुत परेशान हो चुके थे लेकिन ये चर्च में आए इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। इनकी 15 साल की पायस इनकी 10 साल की और इनकी 5 साल की पायस से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। जीसस देखो कहां से आए कहां से आए? गंगानगर राजस्थान से जलंधर से आए। हाँ लुधियाने से आए पंजाब से जलंधर से राजस्थान से बता रहे बाबा सिर का प्रॉब्लम था ऑपरेशन कराना पड़ता है तो भी नहीं जाती लेकिन बता रहे हैं कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया प्रोफेसी को रिसीव किया बाबा सिर चली गई है। अपने हाथों को उठाओ जो चर्च में बैठे हैं आज जब आप वचन को सुनेंगे आज परमेश्वर तुम्हारी चोरियों को हटाएगा तुम्हारी टेंशन को हटाएगा डिप्रेशन से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ सबकी गवाही सुनेंगे। शाबाश। नेक्स्ट हट जा हट जा। आप देख सकते हैं हाँ हाँ कि गवाहियां यहाँ पर कि कॉइन मिले। मैं कॉइन कह रहा था तरन तारण से आए सरबजीत राय कोर्ट से वीजा की आशीष मिला इनकी बहू को साइप्रस का कहाँ का साइप्रस का यूरोप में साइप्रस का वीजा मिल गया। तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ माइक से बोलो किन्नू मिलिया तुम्हारी नू की होंगी है अच्छा बहू नू सारे बोलो हालेलुया इनकी बहू को इन्नी इन्हों की नू नू सोचा बाइबल वाला नू 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 आशीष मिली साइप्रस वीजे की। तारीफ करो जोर से। और देखो सरदार जी मेरे वास्ते मिठाई के डब्बे लाए एक भी नहीं दो दो परमेश्वर आशीष दे एक अपनी वोटी नु खिलाओ एक मेनू दे दो। अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो अलग अलग गवाहियां ऊपर करो ऊपर ऊपर
नशे से आजाद हो गए, छत्तीसगढ़ से आए, बिहार से आए, गुरदासपुर से आए, कुवैत का वीजा मिला, बाइक मिली, किसी को पंख मिले, कॉइन मिला, पत्थरियां गई, रसोलियां गई, किसी की पत्नी को प्रॉब्लम थी उसको तो रहनी चाहिए। 14,000 मिराइकल की मनी मिली, प्रोफेसी रिसीव करने के बाद आजाद हो गए दुष्ट आत्मा से, शराब के नशे से आजाद हो गए, गुरदासपुर से आए। ऐदा प्राण टॉप किया उसने, पहले नंबर पर पास हो गया यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि तंबाकू के नशे छूट गए, कॉइन मिराइकल मनी पत्थरी रसोलियां, कह रहे कि आज आपने कमाई सुनी ट्यूमर, और इनके बेटे ने भी 86% मेडिकल के साथ बेटी ने ब्लेसिंग पाई यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, ब्लड कम था ब्लड बढ़ गया, यूरिक एसिड थायराइड हर चीज की गवाहियां यहां पर खड़ी हैं। मैं कह रहा हूं अपने सिर पे हाथ रखो, परमेश्वर इन लोगों को छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, इनकी गवाहियां बने। और जो लोग इस समय यहां पर पवित्र आत्मा खड़े हैं इस समय ऑनलाइन चर्च, याद रखना मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप 3 दिन लगातार जो आपका काम नहीं बना, कोई भी काम हो मन में सोच लो आज, और 3 दिन लगातार बीज बोकर मन में सोच कर प्रेयर करके प्रेयर लाइन नंबर पर काउंट नंबर में आप मिनिस्ट्री के बो सकते हैं। जैसे ही आप बोएंगे ये भविष्यवाणी आपके लिए, खासकर मैं फिर कह रहा हूँ GRSMNP के नाम वाले लोगों के लिए, अगर मेरी बात पर बिलीव ना आए 3 दिन करके देखो, आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। Amen. आपको जॉब की आशीष मिल रही है, वीजे की आशीष मिल रही है, आप मकान में जाएंगे नई नई आशीषों को पाएंगे। जो इस समय 3 दिन बीज बो रहे और कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शैतान आपको रोकेगा, लेकिन आपने कोशिश करना है, परमेश्वर करेगा। जो लोग चाहते हैं कि आज मैं अपनी जिंदगी में कर्जों से आजाद हो जाऊं, फाइनेंस मेरा ब्लेस हो जाए, वो कभी भी उसका फाइनेंस ब्लेस नहीं होता। वो लोग कभी धनी नहीं होते जो लोग बीज नहीं बोते, जो बीज बोने में कमजोर हैं उनको परमेश्वर कभी तकड़ा नहीं करता। याद रखना, किसान बीज नहीं बोएगा खेत में फसल नहीं होगी। अगर आप बीज बोने के लिए तैयार हैं, आपकी फसल आ रही है, मैं देख रहा हूँ तैयार हो रही है, यीशु मसीह के नाम में तैयार हो रही है, आपकी एक टेस्टिमनी तैयार हो रही है, चर्च एक गवाही आज रात बनने वाली है। कुछ लोग बोलते हैं, पंजाब में सुना मैंने, अगर जे रब साडी गवाही बना देना फिर मैं अद्दा बोवांगी अद्दा बोवांगी, वो कभी नहीं बोया जाना तेरा। आपको पहले काम करना है, किसान पहले काम करता है बाद में काटता है। आप पहले बोएं, चर्चाएं, हाथों को उठाएं, प्रभु से मांगें, और आज जो अपने भेंट अपने दशमांश बो रहे हैं, जो ऑनलाइन भी बो सकते हैं, जो यहाँ पर बो रहे हैं, परमेश्वर मिराइकल करेगा। एक गवाही तैयार हो रही है आपकी, फिर से कह रहा हूँ ये 7 दिन आपके लिए चमत्कार के होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जिस समय उठा लो, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ इस गीत में, जल्दी से अपने बीज बोएं, शाबाश, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ बोएंगे। आप सब की गवाहियां होगी, शाबाश, जाओ जाओ।
विश्वाश कर दे चलेंगे फाजिलका चर्च की ओर। कितने लोग सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर ने फाजिलका चर्च में गवाहियों को बनाया है? अभी आपने सुना कोलकाता में परमेश्वर ने, प्रॉफिट जी ने कितनी बड़ी बात बोली, मैं नहीं जानती आपने सुना या नहीं सुना। कहते मैंने इसे आशीष दी थी कि मुझसे भी ज्यादा बड़ा चर्च तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में, इतनी बढ़ोतरी वहां पे होगी। क्या आप खुश हैं? तो आप चाहते हैं आज आपके लिए भी आशीषें खुले? हम तालियां बजाएंगे फाजिलका चर्च वालों के लिए कि वो भी देखो कितने विश्वास से अपनी गवाहियां देने के लिए रेडी हैं। आइए हम सुनेंगे इनकी गवाहियों को। जब बहन को मरण का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से टोटली टोटली क्रिटिकल थे, और वीवर को ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करा रहे थे जब बहन, और पापा बोल रहे थे जो क्रिटिकल है वो खड़े रह जा रहे हैं। जब बहन ने प्रोफेसी का रिसीव किया और ये आज पहली बार बेटे के सहारे चल रही है और सारी आत्मा परमेश्वर को देती है। हालेलुया 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 चर्च। आप खुश हैं? ये कहते कि प्रॉफिट जी ने बोला कि लाठी के सहारे चलती थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा प्रोफेसी की और इस आंटी के जीवन में काम किया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे इनके लिए कि परमेश्वर सुनता है, वो यहां से बोलते हैं और खुदा इतनी दूर काम करता है। विश्वास है आपको? हम अगली गवाही सुनेंगे। और पापा जी दूसरी गवाही है, जब मैं बता रही 11 साल से घूमते रोकता, जिससे और लास्ट संडे पापा प्रोफेसी कर रहे थे जिनके घुटने रोग आजाद होने जा रहे हैं। ऐसे बहन ने प्रोफेसी का रिसीव किया और साथ ही अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का यूज किया, जो बहन आजाद हो चुके हैं और सारी आत्मा परमेश्वर को देते हैं। तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद। सुना फाजिलका की गवाही को कि गुप्त रोग था और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे जिन्हें गुप्त रोग है वो आजाद हो रहे हैं। इस चर्च में रिसीव किया और इस बहन ने गवाही दी कि इतने सालों से जो गुप्त रोग था खुदा ने इन्हें आजाद किया। कितने लोग खुश है? तालियां बजाएं और बताएं कि परमेश्वर आप इनकी गवाही से खुदा बाप हम खुश है। हालेलुया हालेलुया। हम अगली गवाही को सुनेंगे। पापा जी बहुत बड़ी गवाही है, जो मां बता रही है इनकी बेटी नौजवान है और 7 साल से इनको फिर से पढ़ते थे दौरे पढ़ते थे
मंदिर में 13 बार 14 बार पढ़ चुके थे और पापा प्रोफेसर कर रहे थे जो फिर की एक प्रॉब्लम को असाधारण जा रहे हैं। इस बहन ने अपनी बेटी रिसीव किया जो फिर की प्रॉब्लम से आसान हो चुके हैं और सारी मां मां परमेश्वर को देते हैं। ते सारा जाता यीशु जला ते सारा जाता यीशु जला यीशु मसीह। लोग खुश हैं इस बच्ची की गवाही से। फिर आप क्यों आनंद नहीं मनाते? परमेश्वर देखता है कि मैं इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा हूं अपने दास के द्वारा, क्या ये आनंद ले रहे हैं? किसी ना किसी से जरूर किसी की गवाही मिलती है। अगर किसी की मैच हो रही है, थैंक्स करें, आप भी गवाही के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे और अगली गवाही को हम सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मम्मी ऑयल और वाटर का यूज करने के बाद उस गुप्त रोग से आजाद हो चुकी है। सारी महिमा परमेश्वर को देती है। तालियों के साथ रोग था, फिर से दूसरी गवाही। कितने लोगों ने सुना इनकी गवाही को, मुझे बताएं। फाजिलका चर्च से गवाही आई, कितने लोग इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। देखो लोग इतनी दूर दूर भी शिफा पा रहे हैं। आप कितने प्रीशियस हो कि आप यहीं बैठे हुए हो। वो लोग वहीं से मसा को रिसीव कर रहे हैं, प्रॉफिट जी बोल रहे हैं और परमेश्वर वहां काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप खुश हैं? तो जोरदार ताड़ियां बजाएंगे फाजिलका चर्च के लिए और अगली गवाही को सुनेंगे हम। पापा जी नेक्स्ट बाइक पॉक पड़ी है। ठीक है, 4-5 साल से और कंप्लीट घर था, घर नहीं बना था और लास्ट संडे पापा परफेसी कर रहे थे और फाइनली का चर्च वालों के घर बनने जा रहे हैं। इस बैठे सिर क्या इनका घर कंप्लीट हो चुका है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। ने सुना इनकी गवाही को कि प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके घर जो बनाना चाहते हैं नहीं बन रहे हैं, लेकिन आज रिसीव करें, आपके घर बनने के लिए जा रहे हैं। सिस्टर ने रिसीव किया फाजिलका चर्च में, परमेश्वर ने इस बहन को घर की ब्लेसिंग दी। तालियां बजाएंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सिस्टर को घर के साथ ब्लेस किया। अगली गवाही सुनेंगे हम। अच्छे बहन बता रही है, 8 साल से घर में लड़ाई झगड़ा बहुत आता था, इसकी पूरी बॉडी में पेन रहती थी और लास्ट में पापा कन्फेसिंग कर रहे थे कि दुष्ट आत्मा से जब से आजाद हो गया है, मैंने कन्फेसिंग कर सीख किया और आजाद हो चुकी है। इनके घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। चर्च, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो बहन रो रही है, कोई मजाक नहीं है। जिन पे दुष्ट आत्माएं होती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, उनके साथ रहने वाले परेशान हो जाते हैं और जिसे ये प्रॉब्लम होती है वो खुद बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और ये बहन देखो विश्वास के साथ आई, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की और प्रार्थना की और बहन ने सालों साल से जो दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम थी इस बहन को आजाद किया। ये रो के खुदा का थैंक्स कर रही है। हम परमेश्वर के लिए थैंक्स करेंगे, तालियां बजाएंगे। परमेश्वर आपने इस बहन को चंगा किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, कितने लोग खुश हैं मुझे बताएं। आपको पता है परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातचीत करता है। परमेश्वर ने बोला वचन के अंदर कि मूसा मैं तुझसे आमने सामने बात किया करूंगा, किसी दर्शन के द्वारा नहीं, आमने सामने होकर बात किया करूंगा।
अगर आप चाहते हैं खुदाबंद आपसे बात करे, आपके जीवन में आशीषों को दे, आपके बंद पड़े कामों को खोल दे, या फिर कोई ऐसा सालों साल का कोई बंधन है जो नहीं टूट रहा है, आज हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। बोले परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जब तेरा दास खुदा, जब तेरा मूसा इस वेदी के ऊपर आए मेरे परमेश्वर, आप तो उनसे आमने सामने बात करने वाले हैं मेरे खुदा। आज जब वो वेदी पर आए तो मेरे लिए भी तू कुछ बोल उनके द्वारा। अरे वो बोले तो मेरे जीवन से बंधन टूट जाए। आज वो जब सामने आ रहे हैं परमेश्वर वचन को लेकर, तो जरूर मेरे घर में बरकतें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़े मार्ग खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम राजपुरा चर्च की ओर जाएंगे, उनकी गवाहियां सुनेंगे, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे राजपुरा चर्च के लिए। कितने लोगों ने गवाही का सुना? पास्टर जी ने वहां से बोल रहे हैं कि प्रॉफिट जी ने, उन्हें कैंसर की प्रॉब्लम थी और प्रोफेसी को रिसीव किया और उन्होंने कहा एनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लगाया, जो कैंसर था वो चला गया है। कितने लोग खुश हैं इनकी गवाही से? जोरदार ताड़ियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगली गवाही को सुनेंगे हम। पहाड़ों मेरे अग्गियों किस अब मेरे मन तुरिया, हट जो पहाड़ों मेरे अग्गियों किस अब मेरे मन अमेरिका का वीजा आया इनका, अमेरिका का वीजा, छोटा मोटा नहीं है, जल्दी नहीं मिलता। कहते चर्च में आए, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की, अमेरिका का वीजा लग चुका है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग खुश हैं इनकी गवाही से? चर्च, अब अगली गवाही को सुनेंगे। और से चार साल से इसकी यूट्रस में छह रसौलियां थी और जब ये यहाँ आए और यहाँ से माटी और बढ़ते गए रसौलियां बाहर आ गई है। चर्च, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो फोन के ऊपर गवाही लेकर आए हैं। उनके फोन पर देखें, कैमरा करें कि देखो जो रसोली है वो निकल चुकी है। और ये गवाही इसीलिए आपको दिखाई जाती है विद प्रूफ, ताकि आप विश्वास करें जब परमेश्वर के दास कोई प्रोफेसी करते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से करते हैं। वो देखो फोन में लेकर आई है, छह रसोलियां निकल चुकी है और ये बहन आजाद हो चुकी है। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया, आपकी थालियां तालियां थोड़ी हैं यीशु मसीह के नाम में, जोर से बजाएं। हम अगली गवाही सुनेंगे। पास्टर ने बताया कि भाई के दोनों हाथों में कैंसर की गिल्टियां थी। ये चर्च में आए, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके गिल्टियां कैंसर की वो आजाद हो रहे हैं। इस भाई ने रिसीव किया और साथ ही साथ अनॉइंटिंग ऑयल विश्वास से लगाया। जो हाथों के ऊपर कैंसर की गिल्टियां थी, भाई अपने हाथ ऊपर करके दिखाएं, अपने हाथ ऊपर करके दिखाएं। देखें चर्च आजाद हो चुके हैं, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद उस टेस्ट उस टेलेंट से बिल्कुल आराम हो गए। हालेलुया।
एनर्जी हो गई थी काफी ज्यादा। आप लेग देख सकते हैं स्क्रीन पे उनकी टांग को कि इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया और जैसे ही प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की स्किन एलर्जी जा रही है, विश्वास करें आप देखें उनकी लेग को बिल्कुल चंगी हो चुकी है और परमेश्वर का थैंक्स करें जोरदार ताड़ियां बजा के। वो बता रहे हैं कि उनका बच्चा जेल में था, उनकी मदर परेशान थी, चर्च में आई, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की और कहा 3 दिन में तुम्हारा बेटा बाहर आ रहा है। और वो गवाही देने आई है कि जैसे प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की वैसे ही 3 दिन बाद उनका बेटा जेल से बाहर आ गया। हाथों को उठाएंगे, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे चर्च। सिर के अंदर चार गिल्टियां थी और वो छोटे छोटे ट्यूमर की जाते बन गई थी। जब मैंने चेक कराया मेरे तो यहाँ पर विश्वास थे एनोटी और वक्त लेकर गए और विश्वास किया। आज गवाही के साथ है वो गिल्टियां को काटे साफ हो गई है। चर्च वो बता रहे हैं उन्हें ट्यूमर की गांठें हो गई थी। मुझे नहीं लगता आप ध्यान से सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं गवाहियों को। गवाहियां इसीलिए सुनाई जाती है ताकि आपका विश्वास बढ़े, इसीलिए ज्यादा दिखाई जाती है। वो कह रहे हैं कि कैंसर की ट्यूमर की गांठें हो गई थी, प्रॉफिट जी ने जब वो चर्च में आए प्रोफेसी की गांठें जो भी ट्यूमर की है वो उड़ रही है, इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। उस ट्यूमर की गांठों से बिल्कुल आजाद हो गई है और चंगी हो गई है यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे चर्च। अगली गवाही को हम सुनेंगे। यहाँ पर लाइन लगी पड़ी है दवाइयों की, जितनी प्रोफेसियां प्रॉफिट जी ने की है, जितनी बातें उन्होंने कही सब पूरी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। राजपुरा चर्च वाले आज विश्वास करें, जब परमेश्वर के दास अभी बीच में वचन को लेकर आएंगे हाथों को उठाएं और विश्वास करें राजपुरा चर्च की, आज जब परमेश्वर के दास आपके बीच में आएंगे इससे भी बड़े बड़े पौधे होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में और अगली बारी से डबल गवाहियां लेकर खड़े होने वाले हो यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। जितने यहाँ मौजूद है हाथों को उठाएं और विश्वास करें, खुदाबंद परमेश्वर आज मेरा दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है। जितनों ने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आपके स्वर्गदूत जाएं, आपके आशीषों वाले स्वर्गदूत जाएं और इनके कामों को आज बनाए यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु जी, और जितनों ने आज विश्वास के साथ बोया है आज आशीष का कुआं इन्हें नजर आए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हम एक और गवाही को सुनेंगे, कितने लोग सुनेंगे इस गवाही को। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है, ये भाई बता रहे हैं कि प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि आप मिराकल मनी होने के लिए जा रही है, इन्होंने रिसीव किया। ये भाई बता रहे हैं इनको 12,000 रुपए की मिराकल मनी हो चुकी है। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल सारियां नूं जय मसीह दी, प्रोफेट जी नूं जय मसीह दी। ए गुरदासपुर च प्रोफेट जी मेज़बानी कर रही सी कि सारियां नूं मलाइकल मनी होने जा रही है, मैनूं कल 12,000 दी मलाइकल मनी हुई है। हालेलुया। अभी आप क्रूसेड में आए थे, क्रूसेड में प्रोफेट जी बोल रहे थे आपको मलाइकल मनी की आशीष होने के लिए जा रही है। सुन लो चर्च वालों, कितने लोग खुश हैं। अभी तो आज आए नहीं है, आने वाले हैं, वो भी बताएंगे कि गुरदासपुर में क्रूसेड अटेंड किया, खुदा ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं यीशु मसीह के नाम में। भाई के लिए जोरदार ताड़ियां बजाएंगे कि परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में।
ईश्वर को उठाए और विश्वास करे कि आज का वचन जब परमेश्वर के दास के मुख के द्वारा दिया जाएगा, आज परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बातचीत करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा, एक आग यहाँ पे उतरेगी, एक सामर्थ यहाँ पे उतरेगा, एक चश्मा यहाँ बहेगा, उस चश्मे में आज आप बैठे हैं, आज विश्वास करें, जोरदार ताड़ियों से प्रॉफिट जी का स्वागत करेंगे हमारे बीच में। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश नहीं है, हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। जितने लोग खुश हैं अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। अपने रुमाल घुमाने शुरू करो। सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग खुश हैं उनके घर खुशियां आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आ रही है कि नहीं? देखो आपको मैं बताता हूँ, पवित्र आत्मा सुनते हैं प्रार्थनाओं को और उत्तर देता है। बहुत सारे लोग आशीषों को पाने वाले हैं आज रात। जब रुमाल घुमाया गया, देखो हीलिंग क्रूशर दिखाते हैं आपको गुरदासपुर में कि ये लोग, वो देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सिर्फ 3 दिन में इंतजाम किया गया। देखो लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हुए। हालेलुया, आप देख रहे हैं इस वीडियो को। 3 दिन में, सिर्फ ओनली फॉर 3 दिन, ये मिराकल है परमेश्वर का। देखो लोग कैसे इकट्ठे हुए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर गुरदासपुर में मैं देख रहा था, मैं बात कर रहा था किसी से कि यार मेरे को लगने लगा अब ना कि गुरदासपुर वालों से परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, बहुत गवाहियां आई उनकी, बहुत सारी आशीषें मिली। और देखो इस वीडियो में आप आराम से देखो, और 6 दिन पहले आप क्रूसेड में आप देखो कि बादलों में बारिश दिखाई हुई थी गूगल पर, लेकिन परमेश्वर ने सब रोक दिया। ये लोग दूर तक, एक भाई मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि मैं इतनी दूर पैदल चला, कभी इतनी दूर पैदल चला ही नहीं। हालेलुया, और लोगों की गवाहियां आई और अभी भी गवाहियां दे रहे हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। और वो बहन जिसको एम्बुलेंस में लेकर आए, ऑक्सीजन लगी हुई थी, और वो मेरी तरफ, उसके परिवार के लोग ऐसे कर रहे थे, ए पादरी देख हम कहाँ खड़े हैं, मदद करना। मैंने जब स्टेज पर बुलाया और विश्वास नहीं था, लेकिन विश्वास से परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार कर दिया और उस लेडी को बिल्कुल आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। कितने लोगों ने देखा मिराकल? मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है, अद्भुत काम करता है। आज रात आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से। अपने हाथों को उठाओ और इस वीडियो को देखो, शाबाश। फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर की महिमा हो यीशु मसीह के नाम में। गुरदासपुर में बेदारी आई कि नहीं? आइए सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर आपको छुए। जिन लोगों ने बीज बोया, दशमांश दिया, आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज आपको क्लेम करना है, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और उसी समय परमेश्वर आज आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। जब मूसा पहाड़ी से नीचे उतरा, तब उस समय में उसके हाथों से मिराकल बरस रहा था, मिराकल उसके चेहरे से किरणें बरस रही थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपको दिखाएगा कि मेरे हाथ के ऊपर से आज किरणें उतरेंगी और लोग आजाद होंगे। देखो जैसे लोग एम्बुलेंस में देख रहे हैं आप लेकर आए और आजाद हो गए वो। मैं कह रहा हूँ बेशक मैं आपके ऊपर हाथ रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस समय जो मुझे देख रहे हैं, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, पाकिस्तान से, क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई, दोहा, कतर से, इस समय महाराष्ट्र से, इस समय अपने ऑनलाइन अपने फोन को खोलो और शेयर करो। और देखो मिराकल होगा आपके रिश्तेदारों के साथ। मैं कह रहा हूँ अपने फोन खोलो, मैं आपको खुली छुट्टी दे रहा हूँ। और उसी समय शेयर करो, एक शेयर करो और देखो मिराकल होगा। खुली छुट्टी दे रहा हूँ आपको, आपको कह रहा हूँ कि फिर से, और देखो एक मिराकल हो रहा है, मिराकल। और आप कहेंगे एक शेयर करते ही आप मिराकल देखेंगे। अभी इसी समय होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम करेगा।
फिर नहीं कहना कि मेरे रिश्तेदार के पास आशीष नहीं गई, आपके परिवार के पास जिसको आप ज्यादा प्यार करते हैं उसके पास फटाफट भेजो आज, देखो एक मिराकल होगा, वो खोले ना खोले लेकिन एक मिराकल उसके घर में होगा यीशु मसीह के नाम में। मिराकल होगा, आप सुनेंगे कि आज बहुत सारे लोग गवाही देंगे, आज बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ जिसके काम रुके होंगे किसी के अकाउंट्स में लाखों रुपए की मिराकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ कह रहा हूँ कॉइन जाएगा आपके अकाउंट्स में, मिराकल मनी होगी। परमेश्वर अगर वो कर्जे में है, अगर वो इसी समय जॉबलेस है, इस समय परमेश्वर डिप्रेशन में, आर्थिक तंगी में, इसी समय पवित्र आत्मा मेरे पिता तेरे स्वर्ग दूत जाए मसीह नासरी के नाम में, इसी समय ये कर्जे के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मिराकल मनी हो इनके अकाउंट्स में, जाओ 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 जाओ, प्लस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, प्लस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मिराकल मनी की आशीष को खोलता हूं इनके अकाउंट्स में यीशु मसीह के नाम में, इसी समय प्लस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, इनके पासपोर्ट पर वीजे लगने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके फॉर्म में गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां होने पाए यीशु मसीह के नाम में, जो हॉस्पिटल में इसी समय आजाद हो जाए, इस लिंक को देखें और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अब अलबा शबलबा बलबा शबलबा, ऐ शैतान मैं तुझे हुक्म देता हूँ छोड़ दे इन लोगों को, और इसी समय जो भी कोई बीमार है, घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, शुगर है, थायराइड है, और इसी समय यूरिक एसिड है, इस समय जो सर्वाइकल से परेशान है, और इसी समय उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, गठिए बैग का श्राप है, जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में, आउट यीशु मसीह के नाम से, आउट यीशु मसीह के नाम से, आउट यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ इसी समय, पैर खुल जाए, हाथ पैर खुल जाए, एड़ियां नीचे लगने लगे, गूंगे बहरे चंगे हो जाए। जोर से बोलो तीन बार, यीशु 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 मिराकल कर आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय आप देख रहे हैं मेरे पिता जो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा जिन्होंने इस मिस्ट्री में बीज बोए, अपने भेंट अपने दशमांश दिए, इसी समय परमेश्वर मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उनको बैंक बैलेंस के उनके ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, बढ़ जाए आज से यीशु मसीह के नाम में, आज से इनका पैसा नुकसान में जाने से बच जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए ये लोग यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा कलाम इन्हें छुए आज यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। जिन लोगों को आज इस प्रेयर को सुनाया है और आपने किसी जिसको आप ज्यादा ब्लेस कराना चाहते हैं आपने भेजा है, अभी मिराकल हो गया उसके साथ यीशु मसीह के नाम में। ये सात दिन चमत्कार के होंगे, अपने पड़ोसी से बोलो ये सात दिन चमत्कार के होंगे तेरे लिए, बोलो हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तेरा कलाम आज इन लोगों की जिंदगियां बदले, इन लोगों के घरों में आशीषें, यीशु मसीह जो सच में आज से पवित्र आत्मा ये गरीबी का कर्जे का किसी भी प्रकार आर्थिक तंगी का युद्ध लड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर आज से ये जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। कितने लोग आर्थिक तंगी का युद्ध लड़ रहे हैं, कितने लोग युद्ध लड़ रहे हैं बीमारियों से, कर्जे से, घर के कलेश से, समस्या से आज लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आज का वचन आपके लिए लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका पति आपको देखकर मत्थे पे वट टपा लेता है, आज वट हटाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में खुशियां लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, विश्वास कर रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो आज का वचन तेरे मत्थे पे वट हटाएगा, हटाएगा कि नहीं? क्यों वट कब आते हैं? कह रहा जब हमारे काम नहीं बनते तब हम हमारे मत्थे पे वट आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, आ रहा कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज एक ऐसा काम बनेगा आपके मत्थे पे वट हट जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। गुरदासपुर में पादरी मूड में आया कि नहीं? आप मूड में आओगे आज, मेरा परमेश्वर मूड में आएगा आपके लिए आज, बोलो हालेलुया। विश्वास करो परमेश्वर मूड बना के आया हुआ चर्च के अंदर आज, जितने आमीन बोल रहे हैं उनको मूड दिखेगा यीशु मसीह का, आमीन। जितने हालेलुया बोलकर हाथ हिला रहे हैं उन्हें परमेश्वर का मूड नजर आएगा आज, आज वो काम करता हुआ नजर आएगा आपके लिए। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, अपनी आशीषों को खुलवाओ, ताड़ी बजा कर शाबाश।
आज पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी प्रकार का युद्ध लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, हो सकता है करा के कोई कर्जे से युद्ध लड़ रहा हो सकता है कोई बीमारी से युद्ध लड़ रहा हो सकता है कोई आज नशा छोड़ना चाहता हो, अपनी आत्मा से युद्ध लड़ रहा हो सकता है कोई व्यक्ति आज सुधरना चाहता है लेकिन समस्या खड़ी है उसके सामने और वो युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अगर आज आप आर्थिक तंगी से युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके हैं, मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ चर्च के। अगर आज आप अब तक नहीं जीत रहे, हो सकता है आपको अब तक जीत ना मिली हो, लेकिन आज का वचन आपको जीत दिलाने वाला, यू आर विनर। बोलो आई एम विनर। जब तक आप कहते नहीं होता नहीं है। बाइबल में क्या लिखा, जब जैसा तू कहे वैसा तेरे लिए हो जाए। इसलिए बाइबल बोलती है जब तक आप मुंह से नहीं कहते तब तक वैसा होता नहीं है। आपको परेशानियां ऐसे लगती हैं पहाड़ की तरह हटने वाला नहीं है, लेकिन बाइबल बोलती है जो मुंह से कहता चला जाता है पहाड़ तक, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ, आप जैसे ही जाएंगे बेशक आपके सामने हटे ना हटे, लेकिन जब आप वापिस पलट रहे होंगे वो मुसीबत पलट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? आज क्लेम करने के लिए तैयार है कि नहीं? मुसीबतों को हराने के लिए तैयार है कि नहीं? मुसीबतों को हराने के लिए कोई और नहीं आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा मुंह ही आएगा। आप ही का मुंह मुसीबतों को हराता है। आप बोलते हैं कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास शादी नहीं है, मेरे पास अभी कोई प्रॉब्लम है, मेरा घर नहीं बना, मेरा ये नहीं बना। उसको बोलना स्टार्ट करो कि मेरा बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, मेरे कोख से बच्चा आ गया, मेरे गर्भ से बच्चा आ गया। आदमी लोगों के गर्भ में नहीं बच्चा नहीं आना, आदमी लोगों के पेट में मिराकल की एक टेस्टिमनी जन्म ले रही है। आपको कहना है आपके अंदर भी एक 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 मिराकल पैदा करने की शक्ति है। याद रखना कि कंसीव करना पड़ता है आपको भी अपने दिमाग में। आपको परमेश्वर के वचन को करा के उसको रिसीव करो, उसको रिसीव करो। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है कि समस्याओं से युद्ध कैसे लड़ें। और कितने लोगों के पास समस्या नहीं है? सब लोगों के पास समस्या है। एक समस्या सबके पास है कि नहीं? हर एक समस्या सबके पास है। लेकिन आज कह रहा बाइबल बोलती है समस्या का युद्ध लोग, कोई पैसे से लड़ता है, कोई सिपाही से लड़ता है, लेकिन मसीह लोग कह रहे दो तरीके से लड़ते हैं, कह रहे प्रार्थना और वचन की ताकत से। हालेलुया। कह रहे कि अगर आज से आप प्रार्थना और वचन को अहमियत देने लगे तो आपकी बीमारियों का युद्ध, कर्जे का युद्ध, समस्याओं का युद्ध, मैं कह रहा हूँ 7 दिन में खत्म होने वाला है। चार चामीन बोलने वाले जीत जाओ। आमीन। हालेलुया बोल कर आज शैतान को हरा दो। हालेलुया। कह रहा देखो हम इफिसियों की किताब 6:11 में क्या लिखा कि यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा है। कह रहा बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ और सुनता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, हर बार कह रहे क्या करते हैं लोग, जब भी कोई समस्या आती है तो ज्यादातर जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो फोन उठाते हैं और अपने ताऊ चाचे मामे फूफे नु फोन लाते हैं, अमरीका रहता तू, ऑस्ट्रेलिया रहता तू, फ्रांस रहता तू, ऐस करके गया अपा तेन एयरपोर्ट से छड़ के नहीं आए जी, अपा तेरे पिंड ते ध्यान नहीं रखते, तेरा तेरी जमीन का, तेरे घर का, साड़ी हेल्प कर। आज लोग वहां फोन करते हैं, पैसा मांगते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है खजाने की बात बता रहा हूँ आपको। कितने लोगों को खजाना चाहिए? हमारे देश का खजाना खाली हो गया होगा लेकिन ऊपर वाले का खजाना खाली नहीं होगा, याद रखना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि आप दोस्त से मांगते हैं, दोस्त आपकी मदद करता है, लेकिन यीशु मसीह भी एक आपका बेस्ट फ्रेंड है। बोलो हालेलुया। जब मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा और मेरा ड्राइवर मेरे से पूछे कहाँ जा रहे हो, मैं उसको नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहे हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे से पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन अगर मेरा दोस्त मेरे साथ सीट पे बैठा होगा और मेरे से पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, मैं उसे बताऊंगा दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मैंने कहा कुछ काम जा रहे हैं। हालेलुया। बताना पड़ेगा कि नहीं? तो आज एक जीवन ऐसा जीना है यीशु मसीह को अपना दोस्त समझ रहे हैं। याद रखना जो उसे कहोगे वो आपसे बातचीत करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग नहीं समझते, युद्ध हार जाते हैं पहले ही क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते। यीशु मसीह आपका मित्र कौन है वो? लेकिन कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मैं तो तेरा नौकर है, परमेश्वर कहता ठीक है बह जाती तेनू मैं कुछ नहीं दसना, जड़ा है कहता ना मैं तेरा नौकर है, परमेश्वर कहता तू तेनू मैं भविष्यवाणी कदी नहीं दसनी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊ बोलो कि यीशु मसीह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो फ्रेंड अगर कुछ मांगता है तो उसके लिए जान भी दे देते हैं, देते हैं कि नहीं?
फ्रेंड जब फ्रेंड के घर जाता है उधार मांगने के लिए तो पत्नी बोलती है आ गया खोते दा पुत्र आ गया फिर मर जाने आ गया फिर और अपने पति को बोलती है सो जा उठियो ना और उसका पति कैमरे में से देखता रहता है कहता मेरा दोस्त आया बेचारा कह रहा उसको पता नहीं क्या जरूरत है मुझे उठना है वो अपनी पत्नी को सुला देता है छो जा और उसके बाद जब वो सो जाती है फिर उठकर उसे फोन करता है क्या बात है बेटे कर दोस्त मेरे क्या बात होती है क्या प्रॉब्लम है जाता है कि नहीं एक अच्छा दोस्त याद रखना परमेश्वर भी सारी समस्याओं को आज रात सुलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा आज आपके मत्थे में पड़े हुए बट को सलवट को हटा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में आज आपकी छुरियों को खत्म करके जाएगा आज आपकी समस्याओं का हल करेगा वो परमेश्वर ने कहा करे जो हल कराना चाहता है बाइबल में लिखा व्यवस्था विवरण में करे हल पर हाथ रख के पीछे मत देखना करे एक तरफ करे बैल और दूसरी तरफ गधा मत जोतना उसका मतलब ये करे अगर तुम हल जोत रहे हो तो उसी समय दो बैल लो कई लोग क्या करते हैं इधर बैल है इधर गधा है इसका मतलब करे बैल कहेगा मुझे काम करना है और गधा कहेगा ढैचू मैंने तो सोना है ढैचू धूप होगी आज कह रहे हैं कि दो कान है आपके एक बैल एक गधा है एक विश्वास करता है एक विश्वास नहीं करता दोनों कान आज विश्वास के लगा लो आज यहोवा जोरावर मिराकल करने वाला है आज यहोवा जोरावर मिराकल करने वाला है आप लेफ्ट से भी राइट से भी पॉजिटिव बातें सुनना स्टार्ट करो पॉजिटिव लोग रहने से आपके आसपास जरूरी है अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग नहीं है आप जंग जीतने से पहले हार जाते हैं इसलिए आज हाथ उठाओ बोलो परमेश्वर मेरे आसपास पॉजिटिव लोग आ जाएं सबसे बड़ी बात है ये जब आपके आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं आप जंग हारने लगते हैं आप हो सकता है कि आपके बच्चे नेगेटिव हो आपकी पत्नी नेगेटिव हो इसलिए मैंने हाथ उठाया है कि जब आप हाथ उठा रहे हैं आज घब घर जाएंगे आपके बच्चे आपके परिवार के लोग पॉजिटिव हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में सारे बोले हालेलुया देखो स्क्रीन पर क्या लिखा इफिसियों 6:11 में हाँ हाँ पढ़ो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको सारे बोलो हालेलुया हालेलुया कह रहे परमेश्वर के हथियार कह रहे कि ले लो बुद्धि से ले लो कह रहे जब तुम वचन पढ़ते हो तो पता चलता है कि तुम्हें बुद्धि की जरूरत है बुद्धि वचन से मिलती है इसलिए उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको हालेलुया इसका मतलब कह रहे जब आप वचन पढ़ते हैं कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं पढ़ते जब आप प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़कर घर से नहीं निकलते आपका काम सफल नहीं हो सकता जब आप वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको सफल करने वाला है बोलो हालेलुया कह रहे हैं यहाँ पर बाइबल बोलती है वचन के बाद आपको बुद्धि देता है परमेश्वर जब आप वचन पढ़ते हैं तो बुद्धि देता है एक आदमी था वो चर्च जाता सालों साल से लेकिन और वो बड़ा गुस्से वाला था और एक दिन किसी ने उसके घर के सामने कूड़ा फेंक दिया और आपको पता ये आदमी को कभी गुस्सा नहीं आता कोई कूड़ा फेंक दे तो लेकिन जब तक जनानी ना बोले तो उसकी पत्नी आके बोली देखिया देखिया आज फिर उन्हें कूड़ा फेंकता देखिया उन्हें चक के डंडा मारता पड़ोसी के सिर से सर फट गया और उसी समय टेंशन हो गया उसको और उसने कहा यार ये क्या हो गया और उसी समय पड़ोसियों ने कहा कि चलो चलो और पड़ोसी उसके साथ थे और वो कह रहा था चलो यार इसके साथ फैसला कर लेते हैं लेकिन पड़ोसी कह रहे ना इसके साथ फैसला नहीं करना पत्नी कह रही ना हिम्मत नहीं हारना मैं तेरी जमानत करा लेंगी तू अंदर जा दो दिन अपने पति को बोल रही है तू अंदर जा गुस्से वाला है ना पति पत्नी सोचती है चल अच्छा एक महीना अंदर रहेगा लेकिन उस समय उसका दिमाग नहीं काम कर रहा वो दो दिन से क्या दो महीने से काम पे नहीं जा पा रहा और उसी समय परेशानियों में टेंशनों में भीत रहा है लेकिन क्यों क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करता है वचन नहीं पढ़ता उस व्यक्ति के साथ ये समस्या थी और उसी समय कह रहा उस व्यक्ति ने एक दिन कह रहा कि बाइबल खोलना स्टार्ट किया और कह रहा परमेश्वर तू ही दस मनु कह रहा बाइबल तू ही मनु दस के मैं की करा मैं लोकां दी मन्ना कि तेरी मन्ना या ना दी मन्ना मैनू दस क्या परमेश्वर मैं क्या करूं तो उसी समय उसके सामने वचन आता है और बाइबल बोलती है उसके सामने वचन आया कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर हालेलुया
किसी की न सुन, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। उसने उस हथियार को बांध लिया है और उसी समय उसने किसी की नहीं सुना और उसने कहा कि परमेश्वर ये पड़ोसी का तो मैंने सिर फाड़ दिया, मैं कैसे इसके पास तेरा प्रेम लेके जाऊंगा। बोलता है, कह रहा है कि तू पड़ोसी का तूने सिर फाड़ दिया होगा, लेकिन जब तू जाएगा काम करने वाला आत्मा है, जब तू वचन पढ़कर जाएगा परमेश्वर काम करेगा। बोलो हालेलुया। उसी समय वो वचन पढ़कर गया और उसी समय उस व्यक्ति ने उसको गले से लगाया। बोलता है, कोई बात नहीं भाई, आज से हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं, एक कई लोग डरे रहते हैं। मूसा अपनी लाइफ में डरा हुआ था, किससे? मिस्र के लोगों से डरा हुआ था, और जिस रात उन्होंने मिस्र को छोड़ना था, उस समय परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि निकल जाओ फटाफट। लेकिन उस समय मूसा कह रहा था, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अरे मेरे लोगों के पास पैसा नहीं, धन नहीं, सोना चांदी नहीं है। परमेश्वर ने कहा, जाओ मिस्रियों से मांग लो, ये नहीं कहा दोस्त से मांग लो, रिश्तेदारों से मांग लो, क्योंकि सारे दोस्त सारे रिश्तेदार तो इजरायली वहीं इकट्ठे थे, वो गरीब थे, उस समय उनके पास पैसा नहीं था, रोटी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने किसके पास भेजा? उन्हीं के शत्रुओं के पास भेजा, करा जाओ मांग लो। मूसा कहता, अरे दिमाग खराब है क्या? कह रहा, ये तो गला काटने को फिर रहे तलवार लेकर मिश्री, और इनसे तो हम छुपकर भाग रहे हैं आज रात, और तू हमें कह रहा है इन्हीं से पैसे मांग ले। निर्गमन 11 के